हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चंबा जाने से पहले नूरपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये चुनाव उनके अंतिम चुनाव हैं, जो कि उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हर पार्टी में कुछ काली भेड़े होती हैं और कांग्रेस में भी एक दो काली भेड़े हैं, जिनका पता लगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भाजपा से कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस से खतरा है। हमको कांग्रेस आजादी नहीं है, एक दो आदमी है, ये बंदे अनफॉर्चुनेट है। एज ऑफ टूडे इन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी 30 बार आपके लीडरशिप एंड गॉड विलिंग हमने काम बहुत अच्छा किया है। गवर्नमेंट जो है हमने कम किया है, ये फील्ड ऑफ रोड एजुकेशन मीटिंग हिमाचल प्रदेश ये बहुत टॉप सीट्स और पीपल आर फुली सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। आई हैव नो डाउट इस इलेक्शन के अंदर चाहे मैं कोई या चाहे कुछ भी हो कांग्रेस वहीं कोटखाई की गुड़िया प्रकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि गुड़िया प्रकरण का भाजपा वाले राजनीतिक चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हुए बात का बतंगड़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा पूरी सफाई के साथ जांच की गई है, साथ ही उनके कहने पर सीबीआई की जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कोटखाई गुड़िया प्रकरण की आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने इसकी आड़ में कानून व्यवस्था को तो जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की। इट वॉज कंसर्टेड एफर्ट, यानी इन्होंने बात का बतंग लगाया। इसी का एक 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 लड़की की हत्या हुई है, ही वाज लेफ्ट एंड किल्ड अनफॉर्चुनेट। वो इट नॉट समथिंग नेवर हैपेंड टू कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर और देश के अंदर जो है ऐसी घटनाएं है। पर ये मिसहैंडल तो नहीं हुआ ना जी, आपके हिसाब से मिसहैंडल तो नहीं हुआ जी? पुलिस ने मिसहैंडल तो नहीं किया? पुलिस डिड देयर जॉब, जब जब उन्हें जो मुजरिम है वो पकड़े हुए हैं। और मैंने सोचा कि वो क्यों इसको एक चीज को लेकर इसको बहुत बड़ा करा के इसके बारे में बातचीत कर रहे थे और इसको उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसको भंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने खुद ही ये फैसला किया कि इस केस का जो जांच है सर, आई रोड लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर कि भैया ये बात है कि ये इस केस को सीबीआई। वहीं नए जिले के मुद्दे पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई भी नया जिला नहीं बनाया जाएगा।